हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों को मेरे चैनल पे। सो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे सेवैया छंद। सेवैया छंद में 22 से 26 वर्ण होते हैं। इसमें 4 चरण और 7 भगन होते हैं। ठीक है, इसे याद कर लीजिएगा या कहीं पे अच्छे से नोट कर लीजिएगा। कवित या मनहरण छंद। तो कवित या मनहरण छंद में यह समवृत्त छंद है। इसे क्या कहते हैं? इसे समवृत्त छंद कहते हैं। इसमें 31 वर्ण या फिर 16 या 15 वर्ण होते हैं। एक फिर पांचवा है उपेंद्र प्रजा छंद। प्रत्येक चरण में 11 वर्ण है। इसमें क्या है? इसके प्रत्येक चरण में कितने वर्ण हैं? तो 11 वर्ण है। 11 वर्ण में कैसे कैसे हैं? तो 2 जगन है, यूँ 1 तगन है और 2 गुरु हैं। ठीक है, अब आते हैं वसंत तिलक छंद। तो वसंत तिलक छंद में 14 वर्ण है, 1 तगन, 1 भगन, 2 जगन तथा 2 गुरु। अब आते हैं वंशस्थ छंद। तो इसमें 12 वर्ण है, जिसमें इस तरह से 2 जगन, 1 तगन और 1 रगन। यति चरण के अंत में आता है। यति चरण के अंत में आता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा।